आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर इंदे कैथल रोड द्वारा करीब 2500 लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। यह खाद्य सामग्री उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज की सत्प्रेरणा से वितरित की गई है। प्रसाद के तौर पर पूरी पेठा छोले चावल तथा मीठे चावल वितरित किए गए। इस अवसर पर गिरीश अरोड़ा प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण उपस्थित हुए। उन्होंने इस पुण्य कार्य की भरपूर सराहना की। उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने अपने संदेश में कहा कि परोपकार के बिना जीना मृत्यु से भी बदतर है। परोपकार ही सच्चा जीवन है। परोपकार के अभाव में व्यक्ति किसी का भी दिल से सम्मान नहीं पाता और कोई भी उसे नहीं चाहता। उत्तम लोगों का सब कुछ दूसरों के लिए ही होता है। परोपकार से पुण्य की कमाई होती है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप का बंधन होता है। सभी धर्म ग्रंथों का सार यही है कि व्यक्ति दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए और यथाशक्ति परोपकार करे। परोपकार के लिए अमीर होना लाजमी नहीं है। अपने उपलब्ध साधनों से दूसरों के जितने जी भी अपने का अपने उपलब्ध साधनों से दूसरों के काम आना संभव हो सके उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियां बहती हैं, गाय दूध देती है और यह मानव शरीर मिला है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से देने ही से ही धन संपत्ति सार्थक होती है। वहीं गिरीश अरोड़ा ने अपने संदेश में वैश्विक महामारियों का सामना करने में सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। देखिए रिपोर्ट। इस कड़ी में आज के इस लंगर में हमारे मध्य कुछ और विशिष्ट अतिथि पहुंचे हैं, जिनमें आया श्री गिरीश अरोड़ा जी, जिनका सानिध्य में पहले ही प्राप्त होता रहा है। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि कोरोना के ऊपर लोगों को जागरूकता भरा एक अपना जो संदेश है वो कृपा करके दें। कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व में फैल चुकी है, ऐसे मुश्किल समय में हम सबको चाहिए कि मानवता की सेवा करें और जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें, अक्षरशः पालन करें और अपना और अपने जो साथ रहते हैं, हमारे जो समाज में जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमारे चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे फेलो सिटीजन्स हैं, हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और जो स्वच्छता से संबंधित हाथ धोने और हाइजीन मेंटेन करने के बारे में हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हम सब उनका पालन करें। प्लस जो हमारे में समर्थ लोग हैं और जैसे ये स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। अकेले सरकार के बस का नहीं होता हर एक जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उस तक पहुंचने का। तो ये मैं सभी जो समाजसेवी संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई हैं उनकी सराहना करते हुए ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये जो महामारी फैली है ये हमारे देश से जल्दी इसको छुटकारा मिले। इसमें हम सबका सहयोग रहेगा, चाहे वो आम सिटीज़न है या जो हमारे ये कोरोना योद्धा है, जिसमें समाजसेवी संस्थाएं भी हैं, हमारी पुलिस है, हमारा प्रशासन है, हमारे डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल्स हैं, इन सब का जो रोल है इसमें बहुत अच्छा रहा है। और हमें उम्मीद है कि जैसे बाकी विश्व से हमारा देश काफ़ी इस महामारी को रोक पाने में काफ़ी आगे है, तो इसी तरह हम जल्दी ही इससे इसके ऊपर विजय पा लेंगे। के अंदर पूरा सहयोग दे रही है, तो मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा कि उनका थोड़ा सा उनका उत्साहवर्धन करें। कब से ही सेवा चल रही है और आगे क्या है? जब से लॉकडाउन लगा है तब से कुछ दिनों बाद ये प्रारंभ हो गया था और लगभग 15-20 दिन हो गए हैं तब से चल रही है। और जब तक लॉकडाउन रहेगा और लोगों को भोजन की समस्या रहेगी तब तक ये निर्विघ्न सुचारू रूप से चलता रहेगा। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सारे विश्व में भय और आतंक का माहौल बना हुआ है, सब जगह पैनिक क्रिएटेड है। किंतु सौभाग्यवश प्रभु की कृपा से भारत अभी भी इस महामारी के बहुत अधिक प्रभाव से अपनी रक्षा और बचाव करने में धर्म भूमि होने के कारण सफल और कामयाब हुआ। किंतु सभी नागरिकों को चाहिए कि सरकार ने लॉकडाउन के अंतर्गत जो गाइडलाइंस दिए हैं, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का आदेश दिया है, सभी लोग उसका पालन करने का प्रयत्न करें ताकि किसी भी एक व्यक्ति की लापरवाही की सजा
दूसरों को ना भुगतनी पड़े, क्योंकि जो व्यक्ति कानून तोड़ता है वह सिर्फ खुद को संकट में नहीं डालता बल्कि अपने परिवार, आसपास के परिवेश, समाज और दूर दराज को भी अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए मजबूर और विवश करता है। मैं एक आग्रह और सभी समर्थ और सक्षम लोगों से करना चाहूँगा कि उन्हें अपनी शक्ति और ताकत के मुताबिक समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ परोपकार करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। महाकवि भर्तृहरि ने बहुत सुंदर बात कही, विभाति काय करुणा परानम परोपकारेर नातु चंदनेन। चंदन का लेप करने से शरीर की कोई शोभा नहीं होती, व्यक्ति की शोभा अपने शरीर को परोपकार दूसरों के भले और कल्याण के कार्य में लगाने में होती है। परोपकार तन मन धन सभी तरह से किया जा सकता है। जिसके पास जो भी साधन है वे अपने उस साधन से डिप्राइव्ड और वंचित वर्ग के लोगों को जीवन की बुनियादी मौलिक सुविधाएं और आवश्यकताएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें और इस तरह मानव होने का फर्ज निभाने का प्रयत्न करें। प्रकृति के कण कण से जब हमें परोपकार की प्रेरणा मिलती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ जल स्वयं नहीं पीती, तो मानव को भी अपने सुख साधनों को सिर्फ अपने और अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो लोग अभाव ग्रसित हैं, पुण्य की दृष्टि से कुछ कमजोर हैं, उन्हें भी कुछ देकर उनकी जरूरतें पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा करके हम सच्चे मायने में मानव कहलाने के अधिकारी और हकदार बन सकेंगे। तो मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा, सबको प्रेरित करना चाहूँगा कि संकोच मत करें दान देने के लिए, सहयोग करने के लिए। किसी वरिष्ठ परिस्थिति की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी स्पेयर है, आप उदारता पूर्वक दूसरों को देकर पुण्य लाभ अर्जित करने का प्रयत्न करें। और आज के इस सुअवसर पर विशेष रूप से हमारे श्री गिरीश अरोड़ा जी IAS जो प्रबंध प्रशासक हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सीनियर IAS ऑफिसर हैं, बहुत ही प्रभु भगत धर्म परायण व्यक्ति हैं, आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। इसके साथ ही स्वच्छता मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र जी भी आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और इन दोनों गरिमापूर्ण व्यक्तित्वों के यहां उपस्थित होने से आज के इस फूड वैन्स को यहां से जहां पर लोगों में भोजन बांटा जाता है वहां पर रवाना करने की रस्म इनके द्वारा संपन्न हुई। तो सभी लोगों को इनसे प्रेरणा लेते हुए जहां तक उनकी शक्ति और ताकत है कुछ ना कुछ सेवा और सहयोग अभाव ग्रसितों तक जरूर पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.